नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेड एक्स न्यूज में। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी खबरों को जानने का सिलसिला। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको भारत की खबरें जानने को मिलेंगी बल्कि अमेरिका, रशिया और पूरी दुनिया से खबरें लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों से लाइक और शेयर जरूर करवाएं इस वीडियो को और सपोर्ट करें जेड एक्स न्यूज को। शुरू करते हैं पेट्रोल की प्राइसिंग से। नई दिल्ली में पेट्रोल के प्राइस 90 रुपए लीटर चल रही हैं, कोलकाता में 90 और मुंबई में 96, चेन्नई में 92 और बाकी के जो रेट हैं आपके सामने ही हैं। और बात करें डॉलर टू रुपी कन्वर्जन का, तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारत में 73.43 इंडियन रुपी चल रही है। बात करें भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो भारत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 582 बिलियन डॉलर है और रशिया का 580 बिलियन डॉलर है। शुरू करते हैं सबसे बड़ी खुशी की खबर से आज जो निकल कर आ रही है भारत के राफेल फाइटर जेट से। दोस्तों आज चौथा बैच इंडियन एयरफोर्स के 3 राफेल फाइटर जेट का भारत में पहुंच गया है और ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं स्ट्रेस एयरबेस फ्रांस की। हालांकि ये जो एक तस्वीरें हैं वहां से ये लगातार उड़ान भरकर भारत की टेरिटरी में आ गई हैं और ये जो एक वीडियो है इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साझा किया गया है जो आप देख ही रहे हैं। भारतीय सोयल पर जो राफेल फाइटर जेट हैं एक लैंड कर रहे हैं और आज 3 राफेल फाइटर जेट आए हैं और अप्रैल के महीने में 5 राफेल फाइटर जेट आने वाले हैं जो बहुत बड़ी खबर है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है यूनियन कैबिनेट से। दोस्तों यूनियन कैबिनेट पीएलआई स्कीम के चलते जान डाल रही है भारत की इंडस्ट्री में। भारत का सपना है कि भारत के अंदर रोजगारों की कोई कमी ना हो, इंडस्ट्री को बल मिले, ईज ऑफ डूइंग हो, मेक इन इंडिया हो और इसी के चलते भारत का स्टैंडर्ड भी अब वर्ल्ड लेवल पर होने लगा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए भारत की सरकार पीएलआई स्कीम दे रही है जिसमें 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर फूड्स की जो लाइफ है बढ़ा दिया जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से और इस इंडस्ट्री के चलते ही आज जो रोजगार हैं भारत में देखे जा रहे हैं। आपको भी पता होगा कि यूएई, सऊदी अरब जैसे देश भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो यही चाहते हैं कि भारत के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो सामान है वो अपने देश में लें क्योंकि उनके देश में सिर्फ तेल होता है, ये फूड वगैरह नहीं होते हैं। भारत को एक बहुत बड़ी सौगात मिली हुई है भगवान ने जो हर तरीके का मौसम दिया है, हर तरीके के मौसम में हर तरीके का साजो सामान उगता है और इसी के चलते फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के चलते ज्यादा समय तक हमारा जो फूड है सिक्योर रहेगा और बहुत अच्छे कदम यहां पर भारत की सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। चलते हैं भारत और रशिया की सबसे बड़ी खबर से। रशिया के विदेश मंत्री सर्जे लावरेव अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ सकते हैं, ये बातें कंफर्म हो चुकी हैं। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी दौरा इसी साल होने जा रहा है और इसी की कड़ी में जो बेस है बेस बनाने के लिए रशिया के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं और इसी के चलते आपकी जानकारी के लिए बताएं कि हाल ही में क्वाड और इसी के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री की विजिट जो भारत के अंदर हुई थी उसके बाद रशियन इन्फ्लुएंस कम हुआ है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की पहली डिलीवरी भी S-400 के मामले में होने जा रही है और इसी के चलते ये विजिट बहुत अहम होने वाली है। इसकी नजर हमारी इंडी प्लस न्यूज की टीम के ऊपर भी होगी और जेडएक्स न्यूज की टीम भी इसके ऊपर नजर रख रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है जॉन कैरी से। जी हां दोस्तों, रशिया और अमेरिका आज हाथ धोकर लाइन लगाकर खड़े हैं भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए। जॉन कैरी भी इसी हफ्ते भारत आने वाले हैं और ये जो एक दौरा है भारत के अंदर इसलिए हो रहा है। हालांकि ये जॉन कैरी हैं कौन पहले तो ये समझ लीजिए, ये जॉन कैरी एक टॉप अमेरिकन ऑफिशियल है, जो बिडेन के बाद दूसरा नंबर इनका आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय के रूप में और जो बिडेन का स्पेशल मैसेज लेकर आ रहे हैं 6 अप्रैल को। आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्रीज के शहर हैं वो भारत के ही हैं और इसी के चलते जॉन कैरी भारत आ रहे हैं और वो कहते हैं कि जो बिडेन की अध्यक्षता में 40 से भी ज्यादा देशों को एनवायरमेंट के मामले में न्योता भेजा गया है, उस न्योते के चलते भारत को हम स्पेशल इनवाइट करने आए हैं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारी मीटिंग होने वाली है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है चाइना से। शिनजियांग कॉटन इज माई लव, पेट्रोइट्स ऑन शो एट चाइना फैशन वीक। चाइना के लोगों ने अब ऐसा काम करना शुरू कर दिया है जिस काम के चलते
चलते वो अपनी पॉपुलैरिटी है शिनजियांग के मामले में अपने देश के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। शिनजियांग के मामले में पूरी दुनिया में चीन को क्रिटिसाइज झेलना पड़ा है, लेकिन इसी के ही अंदर शिनजियांग के मामले में चाइना के ही अंदर एक बड़ी यूनिटी देखने को मिली है। चाइना के हर बड़े इवेंट में शिनजियांग की कॉटन को एक प्रेज किया जा रहा है और फैशन शो के अंदर एक इस तरीके का बूके जिसके अंदर कॉटन लगी हुई है ये शो किया गया है और चाइना के फैशन वीक में ये इसे एक बेहतरीन झलकी बोला गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है अमेरिकी और फिलीपींस सेना से। अमेरिकी फिलीपीन ऑफिशियल ने चाइनीज एक्टिविटीज जो साउथ चाइना सी में हुई है उसके ऊपर नजर बनाई है और बातचीत करके इस मसले के ऊपर एक बातें साझा की हैं और चाइना के ऊपर बहुत जल्द इस 220 शिप के मामले के ऊपर कुछ बड़ा एक्शन अमेरिका फिलीपींस ले सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है फिलीपींस बीबीसी से। बीबीसी न्यूज के जर्नलिस्ट ने चाइना को छोड़ दिया है और ये वही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट एलिगेशन के ऊपर उइगर मुस्लिम महिला का शिनजियांग के मामले में इंटरव्यू लिया था और चाइना को क्रिटिसाइज किया था। अब दोस्तों उन्हें लगातार थ्रेट्स मिल रहे थे और इसी के चलते उन्होंने अपनी फैमिली के साथ आज चाइना को छोड़ दिया है। हालांकि ये चाइना को छोड़ा है तो इसी के चलते चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया। उन्होंने कहा है कि हमने किसी भी तरीके का नोटिस नहीं दिया है और हम एक जो ये सिचुएशन है इस सिचुएशन को लेकर हम भी काफी सरप्राइज हैं कि आखिरकार उन्होंने हमें गुड बाय नहीं बोला है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है बाइट डांस से। दोस्तों बाइट डांस के मुंबई हाईकोर्ट से जो एक केस चल रहा था हमने आपको इंडी प्लस न्यूज पर अपडेट भी दी थी उसी अपडेट को लेकर आज खबर आई है कि इनके चार खातों को फ्रीज किया गया है। कल खबर आई थी कि इनके दो खाते फ्रीज हैं लेकिन अब खबर है कि चार खाते इनके फ्रीज हैं और हाईकोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट ने कोई भी रिलीफ बाइट डांस को नहीं दी है और इसी के चलते उन्होंने अलग अलग एलिगेशन लगाए कि हम ब्लीड कर रहे हैं ना जाने क्या क्या इन्होंने बोला, लेकिन फिर भी भारत की हाईकोर्ट ने कोई भी डिसीजन न लेते हुए जो कार्रवाई है स्थगित कर दी गई है अप्रैल 6 तक के लिए। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है रशिया और यूक्रेन से। जी हां दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बार फिर से गहमा गहमी देखने को मिली है क्योंकि यहां पर जो रशियन सैनिक हैं वो अब बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक और इसी के चलते अमेरिका ने भी इसके ऊपर दुख जताया और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रशिया के इस एग्रेशन से हम एक दोनों मिलकर निपटने वाले हैं। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के ऊपर एक 2014 में एक गड़बड़ी देखने को मिली थी जब 2014 में मार्च महीने में रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था और इसी के चलते 22-23 मार्च को जो क्रीमिया की एनिवर्सरी थी उसके बाद यहां पर रशियन एग्रेशन देखने को मिला है। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की खबरों को। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।